हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8, दैट इज कंट्रोलिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, जिसका काम कब शुरू होता है? जब पूरा वर्क जो है, जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है और फीडबैक देना होता है हर उस पर्सन को, हर उस एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को जिसने उस प्लान पर काम किया है, और करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं अगर उस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में कुछ कमी रह गई होती है। तो वो पार्ट क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग, टू कंट्रोल, कंट्रोल करना किसी को। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ये क्यों इसका क्या फंक्शन होता है कि जो बाकी के और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, क्या उन्होंने सही से काम किया है या नहीं। मैनेजमेंट प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल फंक्शन। एक मैनेजमेंट का प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है अगर उसमें कंट्रोलिंग ही ना हो। तो आपने प्लान बना लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके लिए स्टाफिंग स्टाफ हायर कर लिया है, आपने स्टाफ को ट्रेन एंड डेवलप करके उनको बता भी दिया है कि उनका क्या काम है, बट आपने उन पे निगरानी ही नहीं रखी, उनको कंट्रोल ही नहीं किया, उनको फीडबैक ही नहीं दिया, और जो सेम प्लान था उसी को आपको फ्यूचर में भी एग्जीक्यूट करना था और सेम मिस्टेक आपके एम्प्लॉयज ने दोबारा की है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग का फंक्शन जो था वो मिसिंग था और उस पर कोई करेक्टिव, जो कमियाँ रह गई हैं, जो डिफरेंसेस रह गए हैं उस पर काम करने के लिए किसी ने कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन मिसिंग था। ये इंश्योर करता है कि जो परफॉर्मेंस है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे जो टारगेट मैनेजमेंट ने सेट किए थे या जो भी प्रीडिटरमाइंड उनके गोल्स थे। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। कंट्रोलिंग का ये भी काम होता है कि वो करेक्टिव एक्शंस ले, सही से एक्शंस ले, कब? जब परफॉर्मेंस जो कि सेट टारगेट को मेट नहीं कर पाते, एम्प्लॉयज या प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता प्रॉपरली, या कंट्रोल मैनेजमेंट को लगता है कि ये काम और बेटर तरीके से हो सकता था, तब तो कंट्रोलिंग का काम होता है करेक्टिव एक्शंस भी लेना। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFL ब्रिट, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एग्रीड स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं या कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो हमारे सेट टारगेट थे उसके साथ, और प्लान्स आर व्यू टू एंश्योर एडिक्वेट प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, और चेक करते हैं कि क्या हमें जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिले हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज ने परफॉर्म किया है वो इफेक्टिवली और एफिशेंटली किया है या नहीं किया। तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। पहला, गोल ओरिएंटेड कंट्रोलिंग। गोल ओरिएंटेड होता है, इसका मेन फोकस होता है कि प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो उस प्लान पे करेक्टिव एक्शन लेना। परवेसिव, यस, कंट्रोलिंग हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर्ड होता है। कंटिन्यूअस, यस, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक रियल टाइम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है या बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हैं। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग स्टाफ परफॉर्मेंस। जैसे कंट्रोलिंग का काम है टू कंट्रोल और टू चेक, टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड, तो कंट्रोलिंग क्या करता है? रिव्यू भी करता है स्टाफ के परफॉर्मेंस को कि अगर अच्छा काम किया है तो उनको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलेगी, अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया है, तो उनको फीडबैक मिलेगा और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए बोला जाएगा। इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि हमें आज की हुई गलती से हम उस पर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ताकि वही सेम मिस्टेक हम अपने नियर फ्यूचर में ना रिपीट करें। तो इसलिए कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी है। इट इज अ डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। यस, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर प्लानिंग है तो उसके लिए कंट्रोलिंग का होना बहुत जरूरी है, और अगर कंट्रोलिंग है तो प्लान का होना बहुत जरूरी है, वरना आप किसको कंट्रोल करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड, जो कंट्रोलिंग है वो एक्शन ओरिएंटेड है, इसका मेन फोकस होता है कि जो काम है वो अच्छे से अकम्प्लिश्ड हुआ है या नहीं हुआ, इफेक्टिवली काम किया है या नहीं किया, एफिशिएंटली काम किया है ह्यूमन रिसोर्स ने या नहीं किया। तो ये थी हमारे फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या इंपॉर्टेंस है? पहला,
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज करता है कि जो सेट टारगेट थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन की है हमारे स्टाफ ने, क्या वो हमारी एज पर दी सेट टारगेट है, एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट है या नहीं है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक मैनेजर रिड्यूस कर सकता है वेस्टेज को अगर उसका कंट्रोलिंग प्रोसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान है। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, यस, कंट्रोल सिस्टम गारंटी करता है कि स्टाफ अवेयर हो कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे मैनेजमेंट क्या चाहती है। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग मैनेज करता है, इट कैप्ट आई ऑन दी स्टाफ और दी एम्प्लॉयज और दी एक्टिविटीज दैट इज गिवन टू इट्स एम्प्लॉयज कि आप ढंग से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो इससे एक ऑर्डर और डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कोऑर्डिनेशन को भी मेंटेन करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। तो ये थी इम्पोर्टेंस की क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग। फिर आता है लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड को हम मेजर नहीं कर सकते ना तो कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। लिटल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, कंट्रोलिंग में आप इंटरनल फैक्टर्स पे तो आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जिसपे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई राइट ही नहीं होता या उस पर कुछ एक्शन ले ही नहीं सकते, जैसे गवर्नमेंट में चेंज हो जाना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज हो जाना, टेक्निकल में एडवांसमेंट हो जाना, तो उस पर कंट्रोलिंग का बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो होते हैं जो कि एक प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उन पर ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है तो रेजिस्ट करने लग जाते हैं और मैनेजमेंट को उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग एक एक्सपेंसिव अफेयर है या एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेट स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उसको जब मेजर करना पड़ता है तो डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करता है एज पर दी बिजनेस साइज और एज पर दी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। तो उसमें टाइम, एफर्ट और मनी, सब ये तीनों चीजें लगती है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये एक ही सिक्के के टू साइड्स हैं। अगर प्लान है तो उसको कंट्रोल करना होगा और अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप क्या कंट्रोल करेंगे। अगर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करता है, तो कंट्रोलिंग उसको हेल्प करता है कि हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करें और उस हमारे सेट टारगेट को इजीली अचीव कर पाए। प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जब एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की और प्लान परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की को कंपेयर किया जाता है और अगर प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स नहीं होते तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक कैसे हैं? प्लानिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखना, और जब आप आगे देखते हो तो प्लान के साथ कंट्रोल आता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है बैकवर्ड देखना, पीछे देखना। अब जब आप कंट्रोल कर रहे हो तो किसको कंट्रोल करोगे? प्लान को, जो प्लान आपने पहले प्लान किया होगा। इसके बीच में ये आपस में रिलेट करते हैं। बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। कि कैसे? क्योंकि कंट्रोलिंग प्लानिंग पे बेस होता है और प्लानिंग कंट्रोलिंग पे बेस होता है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस। प्लानिंग जो आपने की है अगर कंट्रोल ही नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वहीं कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। आप कंट्रोल कर रहे हो, किसको कंट्रोल कर रहे हो आपको पता ही नहीं है, बस ऐसी अंधाधुंध किसी भी चीज को आप कंट्रोल किए जा रहे हो। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। सेकेंड आता है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिंग। प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्राइब करता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, वहीं कंट्रोलिंग क्या करता है? इवेल्युएट करता है, मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? सेट स्टैंडर्ड के साथ। इसीलिए इट कैन बी सेट दैट कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स वेयर प्लानिंग प्रोसेस एंड्स। इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है जहां पे प्लानिंग प्रोसेस एंड होता है। थर्ड पॉइंट जो प्रूफ करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। दोनों को ही आप बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, दोनों को ही आप फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी बोल सकते हो। क्यों? प्लानिंग को बेसिकली हम बोलते हैं कि जब हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए,
वही कंट्रोलिंग को हम बैकवर्ड प्रोसेस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है सेट स्टैंडर्ड के साथ और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन हम प्लानिंग को बैकवर्ड फंक्शन क्यों कह सकते हैं? जो भी न्यू प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है ना, वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए ही करती है, तो इसीलिए प्लानिंग एक बैकवर्ड प्रोसेस है। वहीं जो कंट्रोलिंग है उसको फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों कहा गया है? कि जब भी कोई कंट्रोल करती है ना, जब कंट्रोलिंग मैनेजमेंट होती है, तो वो एम करती है कि फ्यूचर में वो मिस्टेक ना हो जो उन्होंने पास्ट में की है, तो इसीलिए कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। Therefore, planning and controlling are both forward-looking as well as backward-looking functions. So, I hope आपको the relationship between controlling and planning अच्छे से समझ में आ गया होगा। Chances हैं कि exam में आपसे पूछा जाए। तो चलिए next पे चलते हैं। Next हमारा control process, कि कैसा है controlling का process। सबसे पहला setting of standard, standard set किया जाता है जो कि desired target होता है, जो planning में set किया गया होता है। फिर measurement of performance, जो actual result है, जो actual में production की है, उसको फिर कंपेयर किया जाता है सेट टारगेट को, जो डिजायर्ड टारगेट है उसको, और एक्चुअल रिजल्ट को। एनालिसिस ऑफ डेविएशन, अगर कुछ अंतर होता है तो उसको एनालाइज किया जाता है। फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, इसके बीच में फीडबैक चलता है कि अगर अच्छे एक्शन ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, डेविएशन आई है आपके डिजायर्ड टारगेट से एक्चुअल रिजल्ट में, तो फीडबैक दिया जाएगा मैनेजमेंट को या स्टाफ को या एम्प्लॉइज को। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। पहला था सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड कहलाता है। स्टैंडर्ड्स गोल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उनको अचीव करना। ड्यू टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, जो स्टैंडर्ड है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि एज पर द रिक्वायरमेंट उनको हम एडजस्ट कर सकें। स्टैंडर्ड शुड बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और इट कुड ऑल्सो बी टाइम बाउंड और कॉस्ट बाउंड। जो भी टारगेट सेट करती है वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, और टाइम बाउंड या कॉस्ट बाउंड भी हो सकता है। फिर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है कि कितना हमने एक्चुअली परफॉर्म किया है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं और सैंपल चेक भी कर सकते हैं, कि अगर 100 बॉक्सेस प्रोड्यूस किए हैं पेन्स के, तो रैंडम किसी भी बॉक्स में से 4-5 पीस पेन के चेक कर लेंगे। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन दी टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड हैव बीन डिफाइंड, जो परफॉर्मेंस है उसी टर्म में होनी चाहिए जिसमें स्टैंडर्ड को हमने सेट किया। अगर क्वालिटेटिव में किया है तो क्वालिटेटिव में ही हम उसको मेजर करेंगे, अगर क्वांटिटेटिव किया तो क्वांटिटेटिव में ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम बाउंड किया है और आप कॉस्ट बाउंड के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो, नहीं। जिस चीज में, जिस कैटेगरी में आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है, उसी कैटेगरी में आप उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करोगे। इट कैन बी चेक साइमल्टेनियसली व्हेन द वर्क इज बीइंग परफॉर्मड और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब ये कंट्रोल प्रोसेस की या कंट्रोल प्रोसेस के मैनेजमेंट की मर्जी होती है, जब काम हो रहा है तभी वो उसको रेंडमली चेक कर सकते हैं या पूरा काम खत्म होने के बाद भी उस प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। फिर आता है कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब आती है बात कंपेयर करने की, जो सेट थे एक्चुअल स्टैंडर्ड थे, सेट टारगेट थे, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जब उन दोनों को कंपेयर करना होता है, तो तीन सिनेरियो होते हैं। जो सेट स्टैंडर्ड थे और एक्चुअल परफॉर्म भी उतना ही किया है, सेट स्टैंडर्ड ज्यादा थे लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, सेट स्टैंडर्ड कम थे लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है। एक बार को कम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है, ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है, बट जब सेट स्टैंडर्ड हाई है और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, इसका मतलब है कि आपको फीडबैक करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। एनालिसिस ऑफ डेविएशन, अब क्या करेंगे, जो डेविएशन है, की रिजल्ट एरियाज है, कहाँ पे कमी आई है, उसका पता लगाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो होते हैं, की रिजल्ट एरियाज जो क्रूशल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर ध्यान दिया जाता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है, देखना कि किस बिहाफ पे, किस वजह से सारी चीज करने के बाद भी मैनेजमेंट उस रिजल्ट पर नहीं पहुंची है जो उन्होंने सेट किया था। और एक चीज और, कि हम सारी चीजें एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज आ गए हों जो किसी के भी हाथ में ना हो,
तो वो एनालाइज किया जाता है कि जो रीजन है डेविएशन का वो क्यों है, वो पूरी स्टडी की जाती है उसके ऊपर। करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन, अब जब स्टडी कर ली और पता चल गया कि ऐसी इशू था, ऐसा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम सेट टारगेट को मेट नहीं कर पाए, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर फंक्शन लेते हैं। कौन से हो सकता है, अगर टाइम बाउंड है तो अलार्म सेट कर दो, इक्विपमेंट को रीडिजाइन कर दो, टूल्स को अरेंज करो, वर्क प्रोग्रेस को वर्क प्रोसेसेस को अपडेट करो, अगर ओवर एस्टिमेट कर लिया है या अंडर एस्टिमेट कर लिया तो जो स्टैंडर्ड है उनको दोबारा से सेट करो। हो सकता है कि प्लान में आपने एक्सेस ही ऐड कर दिया हो, तो उस वजह से भी कभी कभी सेट टारगेट को मेट करने में प्रॉब्लम होती है। और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद फीडबैक दिया जाता है, जो कंट्रोल का एक इंटीग्रल पार्ट है। सुपीरियर को फीडबैक दिया जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपके सबॉर्डिनेट ने किया है और सेट स्टैंडर्ड जो थे उसके साथ कंपेयर करने के बाद, और फीडबैक है वो परफॉर्मेंस रिवील करता है कि आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी या नहीं थी, और मैनेजर को वो रिव्यू करना होता है और इम्प्रूव करनी होती है अपने प्रोसेस को, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट देनी होती है। तो ये फीडबैक होता है जो कंट्रोल प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आई होप आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ साउंड कंट्रोल सिस्टम। हम ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो एक कंट्रोल सिस्टम में होने चाहिए। सबसे पहला क्लियर आउट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर होने चाहिए, एंड टू एंड होने चाहिए। अगर प्लानिंग के एक पर्सन को पता है तो कंट्रोलिंग के लास्ट पर्सन तक भी उसको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस मकसद से हम ये प्लान कर रहे हैं और किस मकसद से हम कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट सूटेबिलिटी, जो कंट्रोल टेक्निक्स है वो अप्रोप्रिएटली सूटेड होनी चाहिए जो भी एक्टिविटी का नेचर है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है तो आपकी टाइम बाउंड और आप कॉस्ट बाउंड टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, तो उससे भी हो सकता है डेविएशन के चांसेस हो। सूटेबल टेक्निक्स आपको यूज करनी है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निक यूज करनी है, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निक यूज करनी है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, कंट्रोल सिस्टम एकदम सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एम्प्लॉयज को पता चले कि उन्होंने कहाँ पे गलती किया इन केस ऑफ डेविएशन, वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए कि ये सेट टारगेट था, ये स्टैंडर्ड हमें दिया गया था, हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे हैं। इकोनॉमी, कंट्रोल सिस्टम इकोनॉमी होना चाहिए, ना ही कॉस्ट वेस्ट होनी चाहिए, पैसा वेस्ट होना चाहिए, ना ही टाइम वेस्ट होना चाहिए, दोनों में ही ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, यस, एक कंट्रोल सिस्टम को आप तब एक गुड कंट्रोल सिस्टम कहोगे जब वो फ्लेक्सिबल होगा, किसके साथ, कंटिन्यूअसली चेंजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, और आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सडनली चेंज हो रहा है, तो इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम को कि वो इजीली रिस्पॉन्स कर सके चेंजिंग कंडीशंस पे। फॉरवर्ड लुकिंग, यस, कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। सजेस्टिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शंस ऐसे सजेस्ट करने चाहिए जो कि पॉसिबल हो इम्प्लीमेंट करने में, ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे रिजल्ट, ऐसे करेक्टिव एक्शंस दे रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और कंट्रोलिंग हेल्प करता है करेक्टिव एक्शन लेने में, सिर्फ डेविएशन, सिर्फ कमी बताने से ही एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं बनता, उस कमी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उस डेविएशन को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। जब ये प्लान आता है तो तभी हम कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और गुड है। तो आई होप आपको एसेंशियल फीचर ऑफ साउंड कंट्रोल सिस्टम भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक और पॉइंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट कंट्रोल। अगर छोटी सी डेविएशन है और जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, 10% बजट लेबर कॉस्ट है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट होना चाहिए कंट्रोल का कि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लेके चलनी चाहिए। अगर प्लान के अकॉर्डिंग 10% की कट ऑफ कट है तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होगा वो क्या करेगा, उसमें 15% की, तो वो 5% लेके चलेगा कि ठीक है 5% हो गया तो हमारे पास एक्सेप्शन है, हम उस चीज को मैनेज कर लेंगे। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑन एक्सेप्शंस, दिस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट अटेंशन। इसको कंट्रोल सिग्निफिकेंट डेविएशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जब हम सारे डेविएशन के थ्रू जाते हैं
और हम लोग उन उन प्रॉब्लम्स पे उन उन डेविएशंस पे फोकस करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की. तो दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑन एक्सेप्शंस. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से आप क्या समझते हैं. इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव्ड इफ क्रिटिकल और की पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड क्लोज अटेंशन इज डायरेक्टेड टू एडजस्टमेंट एट दिस पॉइंट. इफेक्टिव कंट्रोल तभी होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट को पता होगा कि उनके की क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं. इसको बोलते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, कि हम उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर कंट्रोल अच्छे से कर लेते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्शन में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारी प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिक्वायर मैनेजमेंट अटेंशन. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सिर्फ उसी पे मैनेजमेंट क्या करेगी, ज्यादा फोकस करेगी कि उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. बाकी सब जो छोटी मोटी डेविएशन है उसको वो होल्ड कर सकती है, लेकिन जो एक छोटी सी चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है ना, तो मैनेजमेंट उस छोटी सी चीज पे ज्यादा फोकस करेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ पोस्टल एक्सपेंसिज इंक्रीज बाय 20%, पोस्टल एक्सपेंसिज है वो 20% से बढ़ गए हैं, द डेविएशन इज टू सिग्निफिकेंट टू रिक्वायर मैनेजीरियल अटेंशन. तो मैनेजमेंट को इस पे ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है 20% से बढ़े हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल मैनेज. लेकिन इफ लेबर कॉस्ट राइजेस बाय 20%, वहीं अगर लेबर की कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगी, तो मैनेजमेंट को उस पर टोटली फोकस करना पड़ेगा, तुरंत फोकस करना पड़ेगा. This is exactly known as management by exception. कि ऐसी चीज जो आपके बिजनेस को बहुत डीपली हैम्पर कर सकती है ना, उस पर मैनेजमेंट ज्यादा फोकस करती है, इसको ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, दो ट्रेडिशनल और मॉडर्न. ट्रेडिशनल में आ जाता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डाटा, ब्रेक इवन एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल. वहीं मॉडर्न में आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ROI that is return on investment, ratio analysis, management audit, PERT, CPM, management information system. तो ट्रेडिशनल टेक्निक का फर्स्ट, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन. इसमें मैनेजमेंट क्या करती है, फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करती है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हर तरह की जॉब में नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन को अवेलेबल होना पड़ता है टू ऑब्जर्व दी एक्चुअल कंट्रोलिंग प्रोसेस. स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रेजेंट्स मैनेजर विद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस फ्रॉम द एवरेज परसेंटेज रेशियो कोरिलेशन एंड सो ऑन. रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है कि सेट स्टैंडर्ड ये थे, हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, एवरेज कितना निकला है, परसेंटेज कितनी निकली है, क्या रेशियो है, क्या कोरिलेशन है एक्चुअल और सेट स्टैंडर्ड का. ब्रेक इवन एनालिसिस ये ऐसा मेथड है जो डिटरमाइन करता है, लिंक क्रिएट करता है एक्सपेंसेस, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में, कि कितना खर्चा हुआ, कितना प्रोडक्शन किया और कितना प्रॉफिट हम अर्न कर लेंगे. ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ब्रेक इवन क्या होता है, ऐसा पॉइंट जब टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, तो ना ही कोई प्रॉफिट की सिचुएशन होती है, ना ही कोई लॉस की सिचुएशन होती है. बजटरी कंट्रोल, इट इज अ मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी है, इन विच ऑल एक्शंस आर स्केड्यूल्ड इन एडवांस एज बजट, जिसमें पहले से ही सोच के चलती है मैनेजमेंट की इस फंक्शन के लिए, इस एक्टिविटी के लिए हमारा ये बजट है, और तब एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है जो बजट उन्होंने सेट किया होता है उससे, कि जितना पैसा हमने बोला था उतना ही लगा है या उससे ज्यादा लगा है. टाइप्स ऑफ बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, इतने तरह के बजट होते हैं. एडवांटेज क्या होती है बजटिंग की, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हेल्प करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, अगर आपको 100 रुपए दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है ना कि इसी में आप बताओ आप क्या क्या शॉप कर सकते हो या क्या क्या खा सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप बहुत मोटिवेट हो जाते हो कि ठीक है ये सब चीजें हम खा सकते हैं. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी होता है, जब बजट दे देती है ना मैनेजमेंट, तो एम्प्लॉयज के पास क्या होता है, सोर्स होता है कि इतना बजट है, मैं इससे कम में हमारी मैनेजमेंट को प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा या इससे कम में एक्चुअल सेट स्टैंडर्ड को मेट करके दिखाऊंगा. उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट, हेल्प इन मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के सबसे एफिशिएंट यूज में भी, रिसोर्सेज के सबसे एफिशिएंट यूज भी करने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है. तो ये थी एडवांटेज ऑफ बजटिंग.
फिर आते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी टेक्निक कि जो हमने कैपिटल, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, क्या वो एक डिसेंट लेवल ऑफ रिटर्न, डिसेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट हमें अर्न करके देगा भी या नहीं देगा। जीरो बेस्ड बजटिंग, ये एक ऐसी कंट्रोलिंग टेक्निक है जहाँ पे बजट बनाए जाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। प्रीवियस बजट को पूछा ही नहीं जाता, स्क्रैच से एकदम स्टार्टिंग से बजट क्रिएट किया जाते हैं, जो कि करंट पोजीशन होती है एज पर द करंट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बहुत डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स सेटअप किए जाते हैं एक मैनेजमेंट में, ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सिस्टम इजीली मैनेज कर सको। चार होते हैं, कॉस्ट सेंटर पैसों से रिलेटेड, रेवेन्यू सेंटर की कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट सेंटर की कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं और भी सेंटर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, डेवलपमेंट इनके अंडर आते हैं। तो ये चार तरह के सेंटर होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेंटर बोलते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट होता है एक सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो मैनेज करता है या जो असेस करता है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, उसको मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। फिर आता है PERT एंड CPM। PERT होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, और CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। दोनों ही एक की है मैनेजमेंट की टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल दी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेती है ना, तो उसके लिए PERT और CPM टेक्निक्स को यूज करती है। ये स्ट्रेटजीज पर्टिकुलरली बेनिफिट करती हैं प्लान करने में, शेड्यूल करने में और इम्प्लीमेंट करने में। जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसके लिए ये दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फिर है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, MIS जिसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है, और जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स को टू टेक बेटर डिसीजन। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारे प्लान्स होते हैं, सारे लेवल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है प्लान के बारे में, वैल्यू फॉर मनी को एंश्योर करता है और एविलेट करता है ओवरलोड से, बताता है कि किसकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर आता है हमारा बजटरी कंट्रोल। ये सबसे पुरानी टेक्निक है जो आज तक बिजनेस एंटरप्राइज यूज कर रही है। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है, एक बजट बता दिया जाता है, इतना बजट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बजटरी कंट्रोल कहलाता है। यूज ऑफ बजट टू प्लान, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल डे टू डे ऑपरेशंस। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व करता है ऐसे बजट्स, ताकि हम प्लान कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे बिजनेस के, उनको भी। डेफिनेशन ऑफ बजट, अ बजट इज एन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर नीड्स। एक एस्टिमेट है कि ठीक है इतना ही आपको पैसा दिया जाएगा। अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम ऑफ और ऑल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अरेंज किया जाता है टू कंप्लीट और टू कवर और टू कंप्लीट द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए एक डेफिनेट पीरियड टाइम के अंडर, उसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या एडवांटेज है बजट की? इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कंट्रोल है, यस। जब आपको बजट दे दिया जाता है और बाद में एक्चुअल बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, तो उसमें वो हेल्प करता है। इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यस, हेल्प करता है टू कोऑर्डिनेट, टू मेंटेन अ गुड कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज। हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज, यस, जब बजट होता है ना तो आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हो, तो वेस्टेज भी क्या होती है, कम होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, बजट सबसे बेस्ट तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने का। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ये हेल्प करता है टाइम एंड एफर्ट मैनेजर्स के, उन एरियाज पे बचाता है जहाँ पे मैनेजमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है। हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हेल्प करता है डिफरेंट पोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने में। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर कंट्रोलिंग अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।